हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज के क्लास में आपको सेट शुरू कराते हैं। अगला रसायन विज्ञान अनसॉल्व पेपर 2020 सेट नंबर 5 कोड है, जिसका 347 डब्ल्यू डी। इससे पहले जो भी हम सेट पढ़ रहे थे वो डब्ल्यू सी था। अब पांचवा प्रैक्टिस सेट है और इसका कोड है 347 डब्ल्यू डी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास में पहले क्वेश्चन से चलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें खंड दिए जाते हैं 6 का, खा, गा, घा, अड़ा और चा। चा तक खंड करेंगे, फिर उसके बाद में प्रश्न 3, 2 और 3 को भी और 4 को भी इसके साथ में हल कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। और जो भी स्टूडेंट अभी चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास में चलेगा नया सेट जिसका कोड है WCWD और इसका पांचवा सेट है सन 2020 का। और स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पढ़िए, पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या कहता है। का किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। ऐसी कौन सी कोटि होती है जिसका वेग और वेग स्थिरांक दोनों समान होते हैं, यानी कि जब भी कोई 1, 2, 3 कोटि बन जाएगी तो उसका वेग बदल जाता है। तो कोटि स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3, 4। जब तक अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन होता रहता है उसके अभिकारक अणुओं में, अगर नहीं होता है तो 0 कोटि की अभिक्रिया, 1 अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो 1 कोटि की अभिक्रिया, 2 में होता है तो द्वितीय कोटि की, 3 में होता है तो 3 कोटि की। अब कह रहा है कि वेग तथा वेग स्थिरांक, जब किसी अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी सांद्रता में कोई चेंज नहीं आता, तो वह अभिक्रिया 0 कोटि की होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो गया। इसको अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 1 अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है, इसका वेग बदल जाता है और वेग स्थिरांक चेंज हो जाता है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में भी यही होता है और तृतीय कोटि की भी अभिक्रिया में यही होता है। तो पहला प्रश्न नंबर का फर्स्ट आंसर है 0 कोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर खा को पढ़ लीजिए, सही से क्वेश्चन को बस पढ़िए। बाष्प दाब का अवनमन सबसे अधिक किस में होता है, यानी कि बाष्प दाब सबसे कम किस में हो जाएगा। तो सबसे पहला है बेरिलियम क्लोराइड, 1 मोल बेरिलियम क्लोराइड BaCl2, वो भी कितना 0.1 मोल है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 0.1 ग्लूकोज, तो कितना है 0.1 mg ग्लूकोज, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 0.2 m यूरिया, और चौथा ऑप्शन आ जाता है 0.1 NaCl, 0.1 NaCl। तो यहां पर सबकी मोलरता, सबके मोलों की संख्या एक है, यानी कि 0.1 है, 0.1 है, और यहां पर मोल बढ़ जाएंगे तो यह सांद्रता बढ़ा देगा, और सांद्रता बढ़ाने पर जिसकी सांद्रता अधिक होती है उसका क्वथनांक में उन्नयन, जो क्वथनांक में अवनमन होता है, बाष्प दाब का अवनमन भी होता है, वो अधिक हो जाता है, मोलों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। यानी कि बाष्प दाब में जब ज़्यादा कण किसी, ऐसे समझ लीजिए कि एक बाष्पशील विलायक जल है बाष्पशील विलायक, और इसके लिए 1 मोल यानी कि 1 कण, ग्लूकोज के लिए भी 1 मोल, तो जो बाष्प निकल रही है बस यहाँ पर ही टकराएंगे, वो कण बाष्प अवस्था में नहीं आ पाएंगे। अब लेकिन यूरिया के 2 मोल आ जाते हैं तो इसकी टक्कर, और ये अबाष्पशील पदार्थ है तो ये टकराएंगे अणुओं को, बाष्प अवस्था में जाने नहीं देंगे, तो बाष्प दाब घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, 2 मोल यूरिया, 0.2 मोल यूरिया, अगर हमारा ज़्यादा मोल मिले होंगे, जितनी ज़्यादा अशुद्धता होगी पानी में
उसका बाष्प दाब का अनुमान उतना ही हो जाएगा। जितने धूल मिट्टी के कण डाल दीजिए उतनी ज्यादा वो उसकी सतह घेर लेंगे और बाष्प दाब कम मात्रा में बाष्प निकलेगी तो बाष्प दाब भी घट जाएगा। तो आप समझ गए होंगे सही से, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रफ करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर का, किस क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर इज नॉट इक्वल 90 होता है, मतलब है 90 डिग्री। अल्फा बीटा कोण जैसे हमने आपको बताया था पैरामीटर, यानी के एकक घनीय कोष्टिका के प्राचल, एकक घनीय कोष्टिका के प्राचल, तो हमने प्राचल बताए थे। उस कंडीशन में हमने इस रेखा को इस तरीके से बढ़ा दिया था एक्स वाई और जेड में, तो ये एक ए मान लिया था, ये बी मान लिया था और ये भुजा को सी मान लिया था। ये तो इक्वल हैं और ये सभी कोण होते हैं 90 डिग्री के, ये अल्फा कोण, ये बीटा कोण और ये गामा कोण, और सभी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होते थे प्राचल। लेकिन वो कह रहा है कि कौन सी वाय तंत्र कौन सा है जिसमें अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल जीरो, ऐसा तंत्र है कि अल्फा बीटा जो 90 डिग्री के कोण थे वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, 90 डिग्री के नहीं है, चतुष्कोणीय, ये चतुष्कोणीय बना हुआ इसका होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। षटकोणीय, छह भुजाओं में एक ना एक तो 90 डिग्री का मिल ही जाता है, तो ये भी आपका आंसर सही नहीं होगा षटकोणीय। उसके बाद रोम्बोहेड्रल, यही कोष्ठिका अगर थोड़ी सी ऐसे खींच दी जाए इस प्रकार से, इस प्रकार से अगर ये खींच दी जाती है तो ये आपका रोम्बोहेड्रल बन जाता है, जो प्रत्येक कोण, ये कोण 90 अंश का नहीं होगा, ये भी 90 अंश का नहीं होगा, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये रोम्बोहेड्रल की संरचना है और यही आपका ऑप्शन सही है कि जिनमें अल्फा बीटा गामा कोण 90 अंश के नहीं होते हैं वो रोम्बोहेड्रल कहलाता है। मोनोक्लिनिक होता है वो थोड़ा और तिरछा होता है, ये कितना तिरछा है, ये कोई भी कोण बीच में जो है प्राचल इसके 90 अंश के बिल्कुल नहीं होंगे, तो ये आपकी रोम्बोहेड्रल होती है। अब आप समझ गए होंगे संरचनाओं के आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है, गा घा कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तित करना होता है, यानी उत्प्रेरक का प्रभाव कौन परिवर्तित करता है, सक्रियण ऊर्जा, साम्य सांद्रण, अभिक्रिया की ऊष्मा और उसके बाद में अंतिम उत्पाद। उत्प्रेरक को अंतिम उत्पाद से कोई मतलब नहीं है, वो केवल अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर चार आपका कट हो जाता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अभिक्रिया की ऊष्मा को परिवर्तित नहीं कर सकता, अभिक्रिया को घटा या बढ़ा देता है, तो ये बात अलग हो गई, ये भी कट हो गया। साम्य सांद्रण, जब किसी पदार्थ की साम्यावस्था बनी रहती है उसे साम्य सांद्रण कहते हैं। अब हमने उसमें उत्प्रेरक डाल दिया तो सांद्रण बढ़ जाएगा, मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे चाय बनाते समय उसमें चाय डाल देते हैं, चाय की पत्ती डाल देते हैं और चीनी को भी डाल देते हैं तो सांद्रण बढ़ जाता है, ऐसे ही साम्य सांद्रण नहीं रहेगा। साम्य मतलब है कि सांद्रण घटे बढ़े बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो यह भी नहीं। तो लास्ट बचता आपका सक्रियण ऊर्जा। उत्प्रेरक जब जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यह रासायनिक अभिक्रिया होनी है दो प्रोडक्टों की, इसमें दो प्रोडक्ट मिले हुए हैं, इसमें उत्प्रेरक मिला दिए तो यहां पर सक्रियण ऊर्जा बढ़ जाएगी। कारण क्या होगा, ये आपस में कण टकराएंगे, ये उत्प्रेरक के कण हैं जो आपस में टकराएंगे, तो सक्रियण अणु ऊर्जा, अणुओं के टकराने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो सक्रियण अणु ऊर्जा होती है, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है डा क्वेश्चन, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका हो गया घा का फर्स्ट सही। अब डा आ जाता है अड़ा क्वेश्चन लगाएंगे। अड़ा में होता है क्लोरोफार्म को प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर बनाता है, तो क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CHCl3 और O2 की प्रेजेंस में सूर्य प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश इसकी प्रेजेंस में वो बनाता क्या है।
क्या कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता है? ऑप्शन है आपका CCl4। दूसरा बनाता है कार्बोनिल क्लोराइड COCl2। तीसरा बनाता है डाइक्लोमेथेन यानी CH2Cl2 CHCl2। ठीक है, ये हो गया CH2Cl2, ये डाइक्लोरोमेथेन। चौथा कह रहा है नन ऑफ दीज यानी नोट लगा है, इसका मतलब होता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराते तो HCl बाहर हो जाता है, HCl। अब HCl जब बाहर होता है तो HCl का ये होता, अब बचा COCl2। दो ऑक्सीजन लगाने हैं तो दो का मल्टीपल करिए तो दो, और बनेगा क्या COCl2 यानी के कार्बोनिल क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन बनती है। अब जो यहाँ पर कार्बोनिल क्लोराइड होगा वही आपका आंसर नंबर दो सही है, बाकी सब गलत है। कि क्लोरोफॉर्म जब सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीकृत होता है तो कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है, इसीलिए इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। अब इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। एक कंपाउंड लिखा है CH3 का होल थ्राइज N। ये पूछ रहा है ये कौन सा अमीन है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थ। यहां पर जो नंबर लिखे हैं वही है अमीन है, 3 डिग्री अमीन है यानी के तृतीयक, ये तृतीयक अमीन है, और ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल सही हो जाता है। लीजिए इतने आसान आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 2। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2, और प्रत्येक प्रश्न है 2 अंक का। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा है? एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, और का क्वथनांक यानी कि जो विलयन बन गया उसका क्वथनांक हो गया है 100 पॉइंट यानी 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, जल का केबी यानी क्वथनांक में उन्नयन 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड मोल इनवर्स प्रति लीटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 का प्रश्न 2 का हल करेंगे और उत्तर लिखेंगे इसका, और सबसे पहले लिखेंगे दिया है पदार्थ का भार यानी के विलेय पदार्थ का भार, जो विलेय है विलेय पदार्थ को हमेशा आप W बन से लिखिएगा, 3 ग्राम है, ठीक है, जिसे हम W बन बोलते हैं। और दिया गया है पदार्थ 50 ग्राम जल यानी विलायक का भार, विलायक जल H2O का भार, W2 बराबर है 50 ग्राम हो गया। का क्वथनांक उन्नयन यानी के विलयन का क्वथनांक उन्नयन, विलयन का क्वथनांक उन्नयन बराबर है 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड मोल, 100 लिखा है 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये है इसका, ठीक है। तो हमें निकालना है क्वथनांक में उन्नयन, इसे हम डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं, और ये तब निकलता है जब विलयन का क्वथनांक उन्नयन माइनस विलायक का क्वथनांक, ये हो गया।
तो डेल्टा टी वी निकालते हैं, तो डेल्टा टी वी बराबर जल का क्वथनांक यानी बिलियन का क्वथनांक कितना दिया गया है, 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस करना है विलायक का क्वथनांक, और विलायक आपका क्या है, जल, और जल एक नॉर्मल सा छोटा सा स्टूडेंट होता है क्लास सिक्स का, उसको भी मालूम होता है कि जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है, 100, तो घटाइए आपका आएगा 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा टी वी का मान। और के वी आपको दिया गया है क्वेश्चन में, वो कितना है, 0.51 ही दिया गया है, तो 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड मोल मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, ये आपका है केबी। तो हम जानते हैं बीनो दैट डेल्टा टीवी बराबर होता है केबी इंटू डब्ल्यू वन इंटू 1000 बटे यम वन इंटू डब्ल्यू टू। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे आपसे पूछा क्या गया है, पदार्थ का अणुभार यानी कि यम्बन पूछा गया है, तो आप यम्बन बराबर जब लिखेंगे तो हो जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू वन इंटू 1000 बटे यहाँ पर डेल्टा टी वी आ जाएगा और इंटू में डब्ल्यू टू आ जाएगा। अब वैल्यू रखेंगे, के बी की वैल्यू है 0.51 इंटू डब्ल्यू वन आपका 3 ग्राम है, इंटू में आपका कितना 1000 है, बटे आप लिखेंगे तो क्या डेल्टा टी वी का मान 0.51 है, इंटू डब्ल्यू टू की वैल्यू आपके सामने 50 है, तो 0 से 0 हटा दो, 51 से 51 को कट कर दो, और इस 0 से ये 0 काट दो, और 5 दूनी 10 रख दो 20, तो 20 का 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 60 ग्राम पर मोल, यही आपका आंसर है 20 × 60। और ये यूरिया घुला हुआ है, क्या घुला हुआ है, यूरिया का अणुभार होता है 60 ग्राम। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको सजाना पड़ेगा, ऐसे सजाएंगे तो आप इंप्रेशन जमाएंगे, एग्जामिनर के हाथ से नंबर निकलवा सकते हैं, उसके पेन से नंबर निकलवा सकते हैं, तो अच्छा लिखने के लिए ये आपको करना होगा। 2 नंबर का है प्रश्न, लेकिन आपने उसको सजाकर बना दिया एकदम 2 से 2, और इस क्वेश्चन का इफेक्ट दूसरे पर पड़ जाता है, जब 1-2 लाइन आप ड्रॉप कर देते हैं आपके माइंड में रह नहीं रहती हैं, याद नहीं रहता है, उस समय माइंड नहीं करते हैं, तो उसको आप 1-2 लाइनें ड्रॉप कर देते हैं, तो उसका इफेक्ट ऐसे क्वेश्चनों पर नहीं पड़ता है, तो ये ही इसका प्रभाव डाल देता कि जब स्टूडेंट इतना सीख गया है तो 1-2 लाइनें मिस कर गया, इसका कोई मीन्स नहीं होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, हम हटे जाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, अब नोट रफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर खा कहता है कि NaCl, HCl और सोडियम एसीटेट के सीमांत मोलर चालकता दी गई है 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर मोल इनवर्स, 425.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स उसके बाद दी गई है, ये अलग अलग दी गई हैं, तो हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है NaCl की चालकता क्रमशः से दी गई है, तो हमें कितनी दी गई है 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, उसके बाद में आपको दिया गया HCl की चालकता जो दी गई है वो आपके सामने कितनी है 425.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, उसके बाद में आपको दिया गया है सोडियम एसीटेट का, तो CH3CONa की चालकता
बराबर कितनी दी गई है, 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ये दी गई है। अब कह रहा है कि CH3COOH के लिए मोलर चालकता की गणना करनी है, ये बना इफ्रा जो एक चिन्ह बना होता है तो इसका हमें मोलर चालकता ज्ञान, ये सीमेंस मोलर चालकता का सिंबल होता है, ठीक है तो हम जानते हैं। यहां पर लिखेंगे कोलराउस के नियमानुसार, कोलराउस का नियम कहता है कि अनंत तन्यता पर किसी बिलियन की जो मोलर चालकता होती है उसमें बने गए धन आयन M प्लस और दूसरे ऋण आयन की मोलर चालकता का एक निश्चित योगदान होता है। अनंत तन्यता पर अगर किसी बिलियन की मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो ये कोलराउस का नियम है, और हमें ज्ञात किसकी करनी है, एसिटिक अम्ल की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अनंत तन्यता पर CH3COOH हमें लेमडा एम CH3 एसीटेट आयन या फिर हाइड्रोजन आयन पहले लिख लें या आगे पीछे माइनस प्लस के हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अनंत तन्यता पर इसकी चालकता निकालनी है। और दी किसकी गई है, सोडियम क्लोराइड की और HCl की और सोडियम एसीटेट की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोडियम एसीटेट की, ये फार्मूला बनाना है तो लेमडा इन्फिनाइट CH3COOH बराबर लिखेंगे हम किसके आयन, CH3COO की चालकता प्लस लेमडा Na की चालकता, ठीक है। इसमें से हम क्या घटा दें कि ये Na हट जाए और H आ जाए, तो हम सोडियम क्लोराइड को माइनस कर देंगे, तो लेमडा Na प्लस लेमडा Cl। अब यहाँ लेमडा ये तो हट जाएगा, सोडियम से सोडियम क्लोराइड हट जाएगा लेकिन Cl बच गया, इस Cl को हटाने के लिए हमें किसकी चालकता लिखनी होगी, HCl की। तो माइनस आगे इसी में लिखेंगे लेमडा हाइड्रोजन आयन, इसके आगे लिखेंगे सबसे पहले किसकी चालकता लिखनी होगी हमें, क्लोराइड आयन प्लस हाइड्रोजन आयन को माइनस कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं जिसकी चालकता है, तो यहां पर हम एक दूसरे की चालकता को रखते हैं तो इसके आगे हमें रब करना होगा ऊपर की चालकताओं को, ये हम कोलराउस का नियम बिगाड़ देते हैं क्योंकि इन चालकताओं की जरूरत है, तो चलिए इस कोलराउस नियम को हटा देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, तो CH3 ये देखिए किसकी चालकता है, इस सोडियम एसीटेट की कितनी दी गई है, इतनी, और ये किसकी माइनस चालकता है, यहां पर ये माइनस का सिंबल है सोडियम क्लोराइड की, और ये किसकी है, हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो लिखते हैं लेम अनंत तन्यता पर मोलर चालकता एसिटिक अम्ल की, ये लीजिए और ये अनंत तन्यता पर हो गई। तो सबसे पहले CH3COOH ने ये दोनों आयनों की चालकता कितनी है, यहां पर देखेंगे 91.0 माइनस, उसके बाद में किसकी चालकता है, NaCl की, NaCl की कितनी दी गई है, -126.4, और उसके बाद में यहाँ पर जो चालकता दी गई है वो किसकी दी गई है, हाइड्रोजन क्लोराइड की, वो कितनी कर देंगे 425, कितनी कर देंगे -425, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड 0.9। तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं और जो माइनस वाले हैं माइनस के उन्हें जोड़ लेते हैं और प्लस वालों को घटा देते हैं, जो बचेगी वो चालर मोलर चालकता निकलेगी। तो -425.9 में हम जोड़ लेंगे -126.4, तो कितना हो गया टोटल इसको, अच्छा यहाँ पर हमें सोडियम माइनस का है क्लोराइड ये माइनस का निशान होगा तो यहाँ पे हमें प्लस लगाना होगा, जोड़ देंगे और ये माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा निशान ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि देखिए ये सोडियम ये माइनस का निशान लगा हुआ है,
तो इस माइनस के कारण ये सोडियम क्लो ये क्लोराइड आयन माइनस का हो जाता है, तो हमें प्लस का क्लोराइड आयन चाहिए, तभी तो ये इससे कट जाएगा और सोडियम माइनस का है और ये प्लस का इससे कट जाएगा, बचेगा क्या हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन, और यही हमें चालकता ज्ञात करनी है इसी की, हमें सिर्फ एसीटेट आयन चाहिए, हाइड्रोजन आयन बाकी को काट पीट देना है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 191 को, तो 91.0 को ऐड करिए 9 10 नहीं यहाँ पर हो जाएंगे 6 और 9 2 11 और यहाँ पर हो गए 5, घटाना कितना 126, तो 1516.9 में से 126 को घटाना है तो आपका बचेगा 5, यहाँ पर गया 0, 5 बचेगा यहाँ पर, 0 बचेगा यहाँ पर, 15 में से 16, अरे यहाँ पर जोड़ने थे तो माइनस माइनस प्लस प्लस के जोड़ देने थे, तो 6 5 11 26 में से 0 और 11 में से 5 गया, 11 में से 2 गया 9 और 4 में से गया 3, तो आंसर देख लें आपका 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। इन दोनों को जोड़कर 126 को घटा देना, यहाँ प्लस इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको क्लोराइड आयन को काटना है, देख लीजिए आंसर मैच कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया एसीटेट आयन का, यही आपका नोटबुक में आंसर होगा और चाहे जिसमें देखे जाके आपका आंसर यही सेम मिलेगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते हैं, नोट कर लीजिए, बस आपको बनाना होगा कैसे हमने बनाया था कि हमें एसीटेट आयन चाहिए था, CH3COOH चाहिए था, प्राप्त किससे करने हैं ये चीज़ें, इन तीन चीज़ों से हमें मिलना है ये एसीटेट, क्योंकि इसमें एसीटेट आयन है ये हाइड्रोजन आयन है और पूरी चालकताएं लिखनी है, तो सबसे पहले हमने लिखा CH3COO प्लस हाइड्रोजन Na आयन, इतनी चालकता हो गई इसकी, तो इसको लिख दिया, माइनस किया हमने किसको HCl को NaCl को, तो माइनस NaCl एक बनेगा लेमडा Na प्लस लेमडा Cl, तो इसकी चालकता यहाँ रख दी, ये वैल्यू यहाँ पर रख दो और प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस का Cl है, तो प्लस लेमडा हाइड्रोजन आयन प्लस लेमडा Cl आयन और हाइड्रोजन क्लोराइड की वैल्यू ये आपके सामने है, तो ये दोनों धनात्मक वैल्यू बनी और ये ऋणात्मक, ये देखिए धनात्मक ये ऋणात्मक, धनात्मक दोनों ये ऋणात्मक, दोनों को घटाया और आपको वैल्यू मिल गई मोलर चालकता CH3COOH की, यही आपका राइट आंसर मिला है। तो अब स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, इसको रब करते हैं, पढ़ लीजिए आप सही से, बहुत इजी क्वेश्चन इस तरीके के आने वाले हैं मोलर चालकताओं और चालकता से। कह रहा है एंजाइम उत्प्रेरक के अभिलक्षण को समझाइए, भैया एंजाइम उत्प्रेरक के लक्षण क्या होते हैं, बे उत्प्रेरक जो किसी जैव रासायनिक क्रिया की क्रियाशीलता को परिवर्तित कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं, जो जीवित जैव जीवित जीवों की कोशिकाओं से उत्सर्जित होते हैं, लेकिन ये 2020 में एंजाइम उत्प्रेरक को हटा दिया गया है, तो इसको आपको पढ़ना नहीं। उत्कृष्ट गैसों के चार महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए, तो उत्कृष्ट गैस हीलियम है, तो यहाँ पर उत्तर बना लें आप 2 का घ हीलियम के उपयोग, सबसे पहला बल्बों में भरने में पहला हो गया, दूसरा लिखो, दूसरा उपयोग लिखें तो लिखेंगे 1:4 का, 1:1 में हीलियम और 2:1 में ऑक्सीजन, हीलियम वायु का मिश्रण, ए हीलियम 1% हो, वायु हो 4% मिश्रण, गोताखोर, समुद्र में गोता लगाने के लिए उपयोग करते हैं,
नंबर तीन लिखेंगे अक्रिय वातावरण बनाने में, जहां कोई वातावरण काम ना करे वो अक्रिय वातावरण बनाने में उपयोग होता है। नंबर चार गुब्बारों में भरने में, लीजिए ये चार उपयोग हो गए, यही हीलियम के उपयोग होते हैं। अब उसके बाद में आ जाता है, इसको हम रब कर देते हैं और लिखते हैं टोटल। अगला पॉइंट प्रश्न नंबर तीन स्टार्ट करते हैं, प्रश्न नंबर तीन और का देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो हम बताते हैं बे विलयन, तो हेडिंग में पहले बना लेना समपरासरी विलयन, लिखेंगे बे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं सम परा सरी विलयन कहलाते हैं। क्या लिखा है, वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं सम परासरी विलयन कहलाते हैं। इनका एक रिलेशन होता है b1 = n1 और b2 = n2, यानी कि इनका कैची दार जब आपस में हम गुणा करते हैं तो n1/b1 आ जाता है और n2/b2, ये समपरासरी विलयन होते हैं। लेकिन हम इसका उदाहरण देते हैं, उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण के लिए एक मोल NaCl व एक मोल KCl का विलयन सम परासरी विलयन कहलाता है। लीजिए ये उदाहरण हो गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर खा देख लीजिए, इसको रब कर देते हैं, इसको रब करते हैं और क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं, तीन का खा। और खा दिया गया है एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों से आप क्या समझते हैं। आपके फिजिक्स में ये टॉपिक हो सकता है, लेकिन ठोस अवस्था से, ये ठोस अवस्था से हटा दिया गया है विद्युतीय गुण, ठोसों का विद्युतीय गुण, उसी में एन तथा पी प्रकार के अर्धचालकों का उपयोग बताया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है। आगे बताया गया इनका उपयोग भी लिखिए, उपयोग कुछ जरूरत नहीं है, जब आपको पढ़ना ही नहीं है तो जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर का संचालक बैटरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संचालक बैटरियां क्या होती हैं, सबसे पहले संचालक बैटरी में आपको लिखनी है सीसा संचालक और जितनी बैटरियां हैं, क्या है बैटरियां, चाहे वो प्राथमिक सेल हो द्वितीयक सेल हो, सब इस बार हटा दिए गए हैं। तो आपको बैटरियां भी नहीं पढ़नी है, संचालक बैटरी भी नहीं पढ़नी है। अब आ जाता है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, नर नष्ट समीकरण। तो सबसे पहले टिप्पणी लिखते हैं प्रश्न नंबर घा पर। तो ये आपको क्वेश्चन दो पढ़ने नहीं थे, पढ़ना तो आपको हीलियम एंजाइम भी नहीं था, एक ये नहीं पढ़ना था और ये एक नहीं पढ़ना। अब आपको निम्न पर टिप्पणी है, तो सबसे पहला पॉइंट है घा, तीन का घा फर्स्ट, नर नष्ट समीकरण, नर नष्ट समीकरण होता है E बराबर E नॉट 0.0591/n log base 10
उत्पाद बटे अभिकारक, ये आपका होता है नरनष्ट समीकरण। तो इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है, तो इसमें लिखना है टिप्पणी, लिख देंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा तथा दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोड विभव, दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोड विभवों बा सेल का ईएमएफ, सेल के ईएमएफ का संबंध नरनष्ट समीकरण कहलाता है। ये होता है नरनष्ट समीकरण। ई तथा ई नॉट में संबंध जो होता है दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोड विभवों, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव और सेल के ईएमएफ के मध्य संबंध होता है, वो नरनष्ट समीकरण कहलाता है। ये टिप्पणी इतनी सी लिखनी थी जो एक नंबर की थी। उसके बाद में आ जाता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव आपको सेट 2WA क्वेश्चन नंबर 3 का गामे करा चुके हैं। टिंडल प्रभाव को हम सेट 4 क्वेश्चन नंबर 5 का गामे करा चुके हैं। तो इतना ही आज के वीडियो में रखते हैं और लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन नंबर 4-5 कराएंगे और फिर अगले वीडियो में 6-7 होगा। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।